सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेकोसमॉस। मैं हूं फरहान और आज मैं नेहरू प्लेस आया हूं गेमिंग कीबोर्ड और माउस दोनों लेने के लिए, क्योंकि मैंने अभी पीसी बिल्ड किया था तो उसके लिए मुझे गेमिंग कीबोर्ड और माउस की बिल्कुल ज़रूरत है, तो मैं अभी वो लेने आया हूं। तो यहां पे मैं आया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दुकान सर्च की, मतलब मुझे अराउंड 2500 के रेंज में, मतलब 3000 तक मुझे ये चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा दुकानों में सर्च किया, बट जो मुझे कॉम्बो मिल रहा था वो ज़ेब्रोनिस का मुझे मिला, मतलब वो काफ़ी अच्छा था और एक ब्रांड के साथ आ रहा था तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा, काफ़ी चीप लगा। और मैं अभी और थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, उसके बाद फिर मैं एक अच्छा सा दोनों कॉम्बो वाला या फिर हो सकता है मैं दोनों अलग अलग, एक कीबोर्ड और एक माउस दोनों अलग अलग लूँ। सो अब चलिए अब देखते हैं कि अभी क्या लेता हूँ मैं। ठीक है, सो गाइस हमने अभी शॉपिंग कर ली है और हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, एंट का कीबोर्ड और एंट का ही माउस लिया है, मतलब ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और ये काफ़ी सालों तक भी चलने वाला है, तो हमने सोचा कि एक बार ही लेते हैं। और ये हमें 4100 का पड़ा दोनों कीबोर्ड और माउस मिला के, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं घर चलता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ पूरा। बस मैं लेके आया हूँ ये एंट का ई स्पोर्ट्स GM320 RGB। सो आपको जैसा दिख रहा होगा RGB इसका काफ़ी फैसिनेटिंग है, और इसमें आपको ऑप्टिकल वायर्ड गेमिंग माउस चाहिए और 8 प्रोग्रामेबल बटन्स है, मतलब इसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए बटन मिलेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके लिए बटन मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो इसमें आपको 7200 DPI मिलता है, मतलब बहुत फास्ट आपका कर्सर चलेगा। और जहाँ तक बात करते हैं RGB की, तो इसमें आपको जो RGB है वो इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिख रहा होगा कि मैं कर रहा हूँ, ये एक बटन है इसमें, उससे ये RGB चेंज होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रामेबल फीचर्स हैं, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं लाइटनिंग के, तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस आता है। और इसमें आपको ग्रिप के लिए भी काफ़ी अच्छा फीचर है, और जो स्क्रॉल करने के लिए की है वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम ग्रिप के साथ मिलती है, तो आपको एक्सेलेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके साथ, और काफ़ी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है इसका। सो गाइज अब आते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो ये कीबोर्ड मैंने लिया था एंट का ही, मैंने दोनों साथ लिया था, एंट का ई स्पोर्ट्स MK1000, और इसमें मल्टी कलर LED बैकलाइट है, बेसिकली वायर मैकेनिकल कीबोर्ड है, और इसमें आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं। तो ब्लू स्विचेस क्या है कि ये ब्लू स्विचेस की वजह से इसके जो डिज़ाइन है, मतलब जो बटन है उसमें ब्लू स्विच लगा रहता है, मतलब ब्लू कलर का एक स्विच है बेसिकली, तो वो आपको बहुत टैक्टाइल फील देता है, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है। और इसमें आपको एंटी गोस्टिंग 87 कीज़ मिलते हैं, मतलब सारे के सारे जो कीज़ हैं आपके वो अलग काम करेंगे, मतलब कि आप अगर गेमिंग करते हो तो गेमिंग आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलने वाला है, मतलब आपके हर एक इंडिविजुअल की जो है वो अलग अलग काम करती है, ये नहीं कि अगर आप 4 कीज़ दबा रहे हो एक साथ तो वो काम नहीं करेगा, मतलब सब की का अलग अलग रिस्पांस आता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं लाइटिंग इफेक्ट्स के, सो आप अपने फैमिलीज को, अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो इसके साथ बहुत अच्छे से। और जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, वो इसमें काफ़ी इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा उम्दा था, और आपको वाटर रेजिस्टेंस का भी फीचर मिल जाता है, मतलब अगर आप काम करते करते आपकी अगर चाय गिर जाती है तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा इस कीबोर्ड का। ओवरऑल ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल लगा, मतलब इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला मुझे।